आज के वीडियो में मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन से और ये होने वाली है मुंबई से लेकर चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12163। ये ट्रेन रोजाना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से निकलती है शाम के 7:45 बजे। उसके बाद ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, सोलापुर, वाड़ी, रायचूर, गुंतकल, रेणीगुंटा होते हुए दूसरे दिन लगभग शाम के 4:30 बजे जाती है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो 12163 ट्रेन नंबर के A1 कोच में मेरी जर्नी होने वाली है। सेकेंड AC में हमारी जर्नी होगी। तो इस व्लॉग में आपको पूरी ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी, कोच का इंटीरियर, मैंने टिकट कितने प्राइस में बुक किया था, कैसे बुक किया था, कब आपको बुक करना चाहिए और रेणीगुंटा तक मेरी जर्नी होने वाली है। तो चलो जर्नी को एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोस्तों, तो चेन्नई एक्सप्रेस से मैं जाने वाला हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। ये 7वीं बार होगा मेरा लॉकडाउन के बाद और जल्दी ही तिरुपति बालाजी का व्लॉग भी मेरे चैनल पे आने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ठाणे के चेन्नई एक्सप्रेस निकलती है और यहाँ पे देखो एक छोटा सा चूहा मुझे प्लेटफॉर्म पे खेलता हुआ दिखाई दिया। वैसे प्लेटफॉर्म पे तो आपको बहुत सारे चूहे दिखाई देंगे, लेकिन अगर इस ट्रेन के बारे में बात करें तो मुंबई से तिरुपति जाने के लिए ये ट्रेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि शाम के समय निकलती है और लगभग दूसरे दिन दोपहर के 1:30 बजे ये तिरुपति जाती है। वहाँ से आप किसी भी होटल में इजीली चेक इन कर पाओगे। अगर आपका TTD का बुकिंग है तो वहाँ पर आप चेक इन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं। WAP7 लोकोमोटिव के साथ मेरी ये ट्रेन जर्नी होने वाली है और सेकंड AC कोच हमारा रहेगा। तो कोच का इंटीरियर वगैरह सब देखते हैं। तो चलो एंजॉय करते हैं जर्नी को। तो ट्रेन में हमारा डिपार्चर हो चुका है और यहाँ पे मुझे 2 लोअर सीट मिले हैं। ये भी आपको भी मिल सकते हैं। अगर आपको 2 लोअर सीट चाहिए तो आपको 1 बुकिंग में वो मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने वो एक्सचेंज किए थे, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको 2 लोअर सीट चाहिए तो आपको बुकिंग करते वक्त एक कंडीशन वहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, बुक ओनली 2 लोअर सीट्स इफ अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल होते हैं तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर कम सीट्स अवेलेबल होते हैं तो आपको जनरली लोअर सीट्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों, वैसे सेकेंड AC कोच में टोटल 52 सीट्स होते हैं, जिसमें 49 नंबर और 50 नंबर का सीट जो होता है वो सबसे कंफर्टेबल होता है। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पे कंफर्टेबल और प्राइवेसी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे 2 ही सीट्स होते हैं 49 और 50 नंबर के। तो ये सीट्स हमें मिले थे, ये हमने एक्सचेंज किए थे। हमारे साथ वाले जो 2 अपर सीट वाले लोग थे उनके यहाँ पे भी सीट्स थे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप हमें 2 लोअर सीट दे दीजिए और ये कूप वाला पोर्शन आप ले लीजिए। तो अगर आपको ये भी मिलता है और अगर आप 2 ही लोग ट्रैवल करने वाले होते हैं तो आपको ये प्राइवेसी अच्छी मिलती है। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लाइट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टैंड है, पर्सनल AC है। उसके बाद आपको हैंगिंग करने के लिए यहाँ पे हैंगर्स भी है, एक मिरर है। उसके बाद आपको पिलो मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं और बेडरूम तो पूरा काफ़ी अच्छा ही होता है। वेदांत कुठे बसला? कुठे बसला तू? जीजू गाड़ी। चलिए दोस्तों, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, आपसे मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग गुंतकल जंक्शन से पहले। लेकिन इस ट्रेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी देख लेते हैं। 12163 मुंबई LTT से MG रामचंद्रन जाने वाली ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस रोजाना चलती है और अगर इसके हॉल्ट्स देखें तो 24 हॉल्ट्स पे ये रुकती है। ट्रैवल टाइम देखें इसका तो 22 घंटे का लगभग ये ट्रैवल टाइम लेती है। डिस्टेंस 1200 के आसपास लगभग ये डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड इसकी अगर देखें तो 58 किलोमीटर पर आवर का ये एवरेज स्पीड कवर करती है। उसके बाद अगर रेटिंग देखें इसकी तो हर जगह पर इसकी अच्छी रेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर पेंट्री कार देखें तो इसमें पेंट्री कार भी अवेलेबल होते हैं। और अगर रेक शेयर देखेंगे तो रेक शेयर इसका मुंबई से लेके गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस में इसके रेक शेयर भी होते हैं। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस के साथ ये ट्रेन चलती है। 2 जनरल कोच आगे होते हैं, 8 स्लीपर के कोच, उसके बाद एक पेंट्री कार, 6 थर्ड AC के कोच, 2 सेकेंड AC के कोच और एक जनरल कोच पीछे भी होता है।
और जैसे कि मैंने कहा था, मेरी जर्नी होने वाली है A1 कोच में, जिसका किराया है मुंबई से लेकर रेनीगुंडा तक लगभग 2000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अभी इस ट्रेन के स्टॉप देखते हैं। जैसे मैंने कहा था, LTT से ये निकलती है शाम के 6:40 पे, उसके बाद ठाणा पे आती है शाम के 7:10 के बाद, और उसके बाद कल्याण होते हुए ये जाती है कर्जत, लोनावला, पुणे, उसके बाद सोलापुर जाती है रात के 2:00, उसके बाद कलबुर्गी जंक्शन ये जाती है सुबह 3:25 पे, उसके बाद वाड़ी जंक्शन आता है सुबह 4:15 पे, उसके बाद सदयपुर रायचूर जंक्शन पे जाती है सुबह 6:08 पे, फिर मंत्रालयम रोड, अदोनी जंक्शन, उसके बाद गुंतकल जंक्शन आता है सुबह 8:10 पे, गुटी जंक्शन, ताड़पत्री जंक्शन, येरागुंटला जंक्शन, कड़प्पा जंक्शन, राजमपेटा होते हुए वो रेणीगुंटा जंक्शन पे जाती है। उसके बाद हमारी जर्नी यहाँ पे एंड होने वाली है रेणीगुंटा जंक्शन पे। उसके बाद अगर देखें तो वो 3 स्टॉप होने के बाद MGR चेन्नई सेंट्रल जाती है शाम के 4:30 पे। तो दोस्तों, सुबह सुबह आया था अदोनी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे मेरी नींद खुल चुकी है, और यहाँ पे मुझे देखना है अभी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन क्या है। मोस्टली अदोनी पे कोई ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ज़्यादातर मिलता नहीं है। गुंतकल जंक्शन पे देखते हैं, क्योंकि 8:00 गुंतकल जंक्शन पे गाड़ी जाने वाली है और टाइम पे ही चल रही है। देखते हैं वहाँ पे क्या ऑप्शंस मिलते हैं खाना खाने के, और चलिए निकलते हैं अदोनी से। और अगर अर्ली मॉर्निंग भी देखे तो 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी टॉयलेट की कंडीशन काफ़ी क्लीन थी। यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी चलती है, अगर नहीं होती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सुबह के 9:15 हैं और हमारी गाड़ी आ रही है गुंतकल जंक्शन पे, आधा घंटा लेट चल रही है। और यहाँ पे देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिलता है, बड़ा जंक्शन है ये। फेसबुक की अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैची से विनंती, ट्रेन नंबर 02253 ऐसे कुछ अनाउंसमेंट होता है। दोस्तों, गुंतकल जंक्शन पे ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है, डोसा, ओनियन समोसा, उसके बाद उत्तपम, उसके बाद इडली, वड़ा, सब 50 रुपये प्लेट होता है। 50 रुपये में आपको 4 वड़ा आते हैं, या फिर 4 इडली, या फिर 4 समोसा, या फिर 2 डोसा, या फिर 2 उत्तपम आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, जो उसके बाद हम इन्जॉय करने वाले हैं। 100 रुपये में मैंने लिया है सब कॉम्बिनेशन, डोसा, वड़ा, समोसा और इडली भी लिया है, तो चलो इन्जॉय करते हैं। MGR Chennai Central.
Thank you.
दोस्तों हम रेणीगुंडा पहुंच रहे हैं। वन टू वन सिक्स थ्री इस ट्रेन से हम आए हैं रेणीगुंटा, और कोइंसिडेंटली हमारा रिटर्न जर्नी जो है वो भी 12164 से ही है। और चलो अभी जाते हैं गोविंदा के दर्शन करने के लिए। वेदांत